वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तज़किया नफ्स कर रहे हैं, और तज़किया नफ्स जब उम्मत का किया है तो तज़किया नफ्स के तहत आपने 6 एहसान उम्मत पर किए हैं, उम्मत पर 6 एहसान किए हैं, और ऐसे अजीम शान एहसान किए हैं, ये ऐसा एहसान कोई दूसरा कर नहीं सका। तज़किया नफ्स के तहत पहला एहसान आपको उम्मत पर किया था, पहला एहसान आपका तौहीद यानी अकीदा तौहीद का तसव्वुर अता किया, आपने उम्मत को अकीदा तौहीद दिया कि तौहीद का अकीदा क्या है, यानी एक माबूद बरहक की इबादत करना, एक माबूद बरहक को पुकारना, एक माबूद बरहक के सामने सजदा रेज होना, ये 360 जो बुत सजा रखे हैं उससे बेहतर है, क्योंकि वो शिर्क का रास्ता है। 360 बुत जो कि आपके हाथों के बनाए हुए पत्थर के बुत हैं, खुद ही खुदा को बनाते हो, जबकि खुदा तो वो होता है जो दूसरों को बनाता है, वो मखलूक बनाता है, और ये कैसे खुदा है कि जिसको तुम खुद बनाते हो। हाँ, तौहीद का रास्ता इख्तियार करो। तो पहला एहसान उम्मत पर यह किया कि अकीदा तौहीद का तसव्वुर दिया कि सारी की सारी इंसानियत एक खुदा को मानने वाली हो जाए, एक घर का दरवाज़ा खटखटाए उस एक घर से अल्लाह तबारक व ताला सब कुछ अता करेंगे। तो पहला एहसान ये किया कि अकीदा तौहीद का तसव्वुर दिया, और दूसरा एहसान ये किया कि वहदत इंसानी का तसव्वुर दिया कि यह बता दिया कि पूरी की पूरी इंसानियत एक है, कोई इसमें अफजल और गैर अफजल नहीं है, कोई ऊंचा और नीचा नहीं है, कोई अदना और अरफा नहीं है, बल्कि सब के सब एक इंसानियत के साथ की रस्सी के अंदर जुड़े हुए हैं, और ये सब के सब किसके बाबा आदम की औलाद हैं, और आदम मिट्टी से बने हुए हैं, लिहाजा तुम सब के सब मिट्टी के बने हुए हो। तो ये वादत इंसानी का तसव्वुर दिया। और तीसरा तसव्वुर फरमाया कि दीन दुनिया की वादत का तसव्वुर दिया कि दीन दुनिया दोनों एक हैं, दीन और दुनिया को अलग अलग ना करो, इसी दुनिया में बैठकर ही तुम्हें दीन पर अमल करके खुदा को पाना है, इसी दुनिया में रह के तुमने दुनिया के बनाने वाले को याद करना है, इसी दुनिया में रह के ही तुमने उस दुनिया के बनाने वाले की नेमतों से नफ़ा उठाना है और उन नेमतों का शुक्र करना है। ये नहीं कि ये दीन है और ये दुनिया है, जैसे कलीसाओं ने किया, गिरजाओं ने किया। अगर तुमने दीन हासिल करना है, ईसाइत कहती है, तो गिरजे में आ जाओ, अगर दुनियादार बनते हो तो जाके दुनिया कमाओ, तो दीन दुनिया को अलग अलग कर दिया। नहीं नहीं, दीन इस्लाम ने कमाल ये क्या कि दीन दुनिया को एक कर दिया, इसी दुनिया के अंदर तुम्हारा दीन बंद है और इसी दीन में तुम्हारी दुनिया पड़ी है।